जो जितना ही पवित्र जीवन धारण करेगा उतना ही ज्ञान बुद्धि में स्वतः ही टपकता रहेगा। बाप से मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी। ब्रह्मा का ज्ञान सूत्र क्या है वो नहीं पता है, और विष्णु का ज्ञान सूत्र पालना का क्या है वो नहीं पता है, और शंकर का विनाश का ज्ञान सूत्र क्या है वो नहीं पता है। अभी ब्राह्मणों का दूसरा जन्म हो गया है या होने वाला है, एक नारी में तो हद की तरह उठा लिया, एक लौकिक जन्म और एक ज्ञान में आने का जन्म, यही अर्थ लगाया ना। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में इसका दूसरा अर्थ है, ब्राह्मण एक जन्म है बेसिक नॉलेज में और एक है एडवांस ज्ञान में, एक है अधूरा बेसिक जन्म और एक है संपूर्ण बेसिक जन्म, एक है अधूरा एडवांस ज्ञान। अधूरा कब तक है, जब तक अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, बाप के ऊपर अनिश्चय आता है तब तक कैसा एडवांस ज्ञान है, अधूरा एडवांस ज्ञान। जब पाप के ऊपर पक्का निश्चय बैठ जाए तब कहेंगे संपूर्ण एडवांस ज्ञान। द्विजन्म ब्राह्मण जो भी मुख्य धर्म है उनके धर्म पिता है प्रवेश करने वाले, यहाँ प्रजा पिता तो प्रवेश करने वाले है, प्रजा पिता तो प्रवेश करने वाले हैं, जो भी मुख्य धर्म है ना उन्हें प्रवेश करने वाले धर्म पिता बनते हैं, यहाँ प्रजापिता है प्रवेश करने वाले आत्मा, माना प्रजापिता वाली आत्मा वो ब्रह्मा आधार मूर्त में बैल के ऊपर कभी छलांग लगा के सवारी नहीं करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। सुबह को सवेरे 3-4 बजे उठो, उत्तर के स्नान आदि कर, यही ख्याल रखना चाहिए कि हम अकेले भी है और हम आत्मा अपने बाप को याद करते हैं, बाप को याद करने से विकल मिला, तो स्नान करना जरूरी है, स्नान करने के तो दो कारण बताए, कोई प्रकार की गंदगी होती है शरीर में तो स्थूल स्नान करना, लैट्रिन जाते हैं तो छिट्टे पड़ेंगे, स्नान करना है। यदा कदा माया पकड़ लेती है, पांचवी बार से नीचे गिराती है, शिकारों में गिर जाते हैं तो भी स्नान करना, बाकी ना शिकारों में माया ने गिराया न शरीर अपवित्र हुआ टॉयलेट में जाके, तो जरूरी है, है? नहीं करेंगे हाथ मुंह धो करके बैठ जाएंगे याद करने के लिए तो याद नहीं आएगी, आएगी। बताया गया लेट्रिन में भी याद कर सकते हैं, मुरारजी देसाई को अपनी बात याद आ जाती थी, अपने मूत्र का स्वपान करेंगे तो भी ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ये वो अपना अनुभव बता रहा है, अच्छी बात है।
सिख धर्म में सर के बाल लंबे होते हैं। सिख धर्म में उसके सर के बाल जो है ना लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि उसको जाम्बवंशी और जाम्बवंश का भी बोला गया है। वो सिख धर्म के अंदर ही आते हैं। जामवंत और जामवंती हाँ जामवंती के बाल लंबे नहीं होते हैं, सिर के बाल लंबे नहीं, सिर के बाल लंबे तो लक्ष्मी नारायण के भी होते हैं, वो कोई भिखारी बात नहीं है। बाबा पुरुषों में भी बात है, पुरुषों में भी वही है। नहीं, उनके सारे शरीर में बाल होते हैं ऋषि की तरह। राम ने बंदरों की सेना ली, बंदरों की सेना के बीच में जामवंत भी था। क्या अंतर है बंदरों में जामवंत में? उसके सारे शरीर पर बाल है, इसलिए शास्त्रों में जहाँ जामवंत और आठ पटरानियों में जामवंती का नाम आया है, वो सिख धर्म से कनेक्टेड है। उनके रोम रोम में विकार भरे हुए हैं, बड़े बड़े बाल भरे हुए हैं। वो भिखारी तो बनते हैं, लेकिन एक नियम उन्होंने पक्का बांधा हुआ है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भिखारी होने के कारण ज्यादा से ज्यादा भिखारी भी वही बनते हैं जब ज्ञान उठाते हैं। और हिंदुओं ने स्वतंत्रता के लिए उतने संग्राम में सहयोग नहीं दिया है। इतना ज्यादा अर्पण नहीं किया है तन मन धन, इतना सिखों ने बलिदान किए। यहां भी ऐसे ही है, ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में जब वो पंजाब के बड़े बड़े बालों वाले सिख निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। बाबा एक टीवी में बोला गया है जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, तो फिर एक विनय की वार्तालाप के कहा है सत्य बामा के बारे में, तो सत्य बामा का पाठ गंगा को दिया गया। मगर गंगा तो सन्यासी है ना, अरे और उन्होंने तो अभी तक उनका मानुगा सभा भी छोड़ा नहीं है, है? नीचे वाली मानुगा सभा अभी भी छोड़ा नहीं है। नीचे वाले मानुगा सभा हाँ अभी भी छोड़ के आए नहीं, तो फिर उनको सत्य बामा का नीचे वाले मानुगा सभा छोड़ के आए हैं? नहीं आया ना, तो अभी किसने कहा कि बड़े बड़े सन्यासी निकल पड़े? मतलब अभी तुम्हारी जीत हो गई क्या? इसीलिए जीत नहीं हो गई। जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे और उन सन्यासियों की अम्मा निकलेगी, जिस अम्मा के किनारे वो सन्यासी चौकड़ी मार कर बैठे रहते हैं, गंगा के किनारे चौकड़ी लगा के सन्यासी बैठते हैं ना मैडमों की तरह, तो वो गंगा जब निकलेगी तो सारे सन्यासी उसके पीछे पीछे फॉलो करेंगे। अभी निकली नहीं है, अंत में निकली है ज्ञान गंगा। और बाबा सत्य बाबा के बारे में तो बोला जाता है उन्होंने हनुमान जल सब कुछ समझ मतलब बिना सब कुछ समर्पित किए 100% ईश्वरीय सेवा कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो 100% ईश्वरीय सेवा की है तो सर के ऊपर सवार हुई है,
आप सदैवों की तरह, आप हमारों की तरह, अगर तन मन धन समय संपर्क संबंधियों से पूरी सेवा न की होती गंगा ने तो वो क्या शंकर के ऊपर सर पर सवार नहीं होती। नींद में 63 जन्मों की वे घूमती है स्वप्न के रूप में, नींद में स्वप्न के रूप में 63 जन्मों की वे घूमती रहती है नींद में, मतलब स्वप्न के रूप में, स्वप्न और संकल्पों के रूप में हमारी रिहर्सल और शूटिंग चलती रहती है। कोई कोई ना स्वप्न में बोलने भी लगता है, उनकी वाचा तो बदलती नहीं है, उनकी वाचा तो बदलती नहीं है, उनकी वाचा जो है जैसे मराठा है उनका मराठी हिंदी और हिंदी होता रहता है, मतलब 63 जन्मों में तो एक ही भाषा तो होती नहीं है, तो वो भाषा बोलती है ना, यंत्र है, यंत्र है, जैसे आजकल कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला गया है कि वो अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में ही कन्वर्ट करेगा, दूसरी भाषा में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो सब भाषा तुम कैसे निकाल लो। ये तन जो है वो एक प्रकार का यंत्र है, इस यंत्र में जैसा सॉफ्टवेयर भरा हुआ है वैसा ही बोलेगा ना। लौकिक दुनिया में, लौकिक दुनिया में कोई मेरी सो देता है तो कुत्तों को पता चल जाता है वो रोने लगता है, रोने लग पड़ती है, मतलब इसका मतलब कुत्तों को रूह दिखती है क्या? रूह नहीं दिखती है, वो शरीर का गंध सूंघता है, पांच तत्वों की जो स्पेशल गंध निकलती है हर एक में अलग अलग अपने प्रकार की, उस गंध को सूंघता है, उस गंध के आधार पर सूंघते 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 कहां से वो पसार हुआ है वो मुर्दे को ढूंढ लेता है, मतलब वो रोने के साथ है वो रोता। अरे ये बात अलग जो अभी पूछी, रोने की बात अलग है, रोता रहता ना कुत्ते जो है वो रात में रोते हैं, हमेशा नहीं रोते, कभी कभी रोते हैं कभी नहीं रोते हैं, और इकट्ठे होकर के भी रोते हैं। हाँ उनको अनुभव होता है, और मरते तो रहते ही है, एक शहर ऐसा कौन सा है जिसमें लोग मरते न रहते हो, कोई ऐसा शहर है जिसमें वो लोग मरते न हो, कोई टाउन ऐसा है मरते ही रहते, तो हर जगह कुत्ते तो रोते ही रहते हैं। अब कुत्तों को तो रोना ही है, ये तो वो अपना कुत्तेपन छोड़ते नहीं है, इसलिए अज्ञान की रात में उनको रोना ही रोना है, मुरली भी रोना है, ये इस्लामी पहले मरेंगे तो ज्ञान में आकर के मरेंगे या अज्ञान के आधार पर मरेंगे? है अज्ञान के आधार पर, हाँ रोना तभी होता है जब आदमी अज्ञानी होता है। और एक भाई का प्रश्न है, कारण अकारण वो संगठन से बाहर है, कारण अकारण वो संगठन से बाहर है, कौन कोई भाई, एक भाई है
कारण अकारण संगठन के बाहर है, बाबा को पत्र लिखते हैं और इसका समाधान आते हैं, पर बाबा का मुर्शी बोलते हैं पत्र का सारा समाधान मुर्शी रूप में आ जाता है, तो फिर हमको तो नया चीज रुकता ही नहीं, हमको कैसे पता चलेगा हमारा समाधान क्या है, तो फिर उनका पूछना ही है। बाप बच्चों से बात करते हैं या सब से बात करते हैं? बच्चों से बात। तो बच्चे जो मर्जी करेंगे बाप के घर में जाके जन्म लेंगे उनसे ही बात करेंगे, जो मर गए उनसे बात कैसे करेंगे? मतलब पत्र तो बाबा के पास पहुंच जाती है ना, होता जी लोगों का पत्र बाबा के पास पहुंच जाती है, उसका समाधान समाधान बच्चों का करेंगे या जो बच्चे हैं ही नहीं उनका करेंगे? मतलब बाबा पहले वो बच्चे आ चुके हैं, आ चुके हैं फिर मर चुके हैं, ऐसे ढेर के ढेर बच्चे हैं, सब सूर्यवंशी बन जाएंगे नहीं, सब 84 जन्म लेंगे क्या? ढेर के ढेर मरने वाले हैं, मौत का बाजार लगेगा। और कह लो मरने का मतलब क्या है? मरना दो तरह से होता है, एक तो लौकिक जीवन में मरना होता है, एक अलौकिक जीवन में मरना होता है। अलौकिक जीवन का मरना बाप सिखाते हैं और अलौकिक जीवन में भी दो प्रकार से मरना होता है, एक मरने का काम मारने का काम माया करती कराती है और एक मरने का काम बाप करण करावना है। जो निश्चय बुद्धि होकर के मरते हैं जीते ही थे अभिमान से वो फर्स्ट क्लास मौत है, और माया जो मौत कराती है तो फोर्थ क्लास भी नहीं, उससे भी नीचे मौत है, अनित्य बुद्धि बनाई देती है। वो बाप की ग्लानी करेगा कि बाप की महिमा करेगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। जो बाप को पहचाने और बाप को भूल जाए, पहचानेगा तो दुनिया को कहेगा बाप आया हुआ है, और जब अनित्य बुद्धि बन गया तो किसी को नहीं कहेगा बाप, आप तो लोग क्या समझेंगे, क्या समझेंगे लोग? ये ग्लानी करने वाला है या महिमा करने वाला है? ग्लानी करने वाला है। बाबा एक वार्तालाप में कहा है भाई साहब, है भाई साहब कहा है ये एबीपी आने वाले स्वरूप की बात कहा है, भाई साहब है भाई साहब, हाँ ये एबीपी आने वाले स्वरूप की इसके लिए कहा गया बोला। अरे पूरा बाकी तो बोला, एक शब्द बोल दिया भाई साहब, वही तो उसी है वो कहा बोला गया बाबा वार्तालाप में, क्या बोला गया वार्तालाप से कोई वाक्य होगा ना, वही भाई साहब बोला, भाई साहब कोई वाक्य थोड़ी हुआ है, एक शब्द हो गया पूरा वाक्य तो बोलो जो कहा गया है, पूरा वाक्य नहीं है एक शब्द है बाबा, मेरी बात पूरी बात हो गई, भाई साहब कहा है जैसे से रुद्र माता के सब है आपस में भाई भाई, ये एकी के आदिवासी स्वरूप से किया कहा है, तो फिर बाबा इसी और सदर के रिलेशन में कहा जिन्होंने भाई साहब कहा वो कदर भी है, मतलब कदे भी है जो आते ही बाबा बाबा बोले वो रिलेटिव है कहा, 64 वार्तालाप से कहा, तो फिर भाई साहब भी कहना चाहिए या बाबा बोले? बाबा कहेंगे तो ग्रैंडफादर का वर्षा मिलेगा,
भाई कहेंगे तो भाई से वर्षा नहीं मिले, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब का सवाल धर्मराज होता है, अच्छा धर्म तुम्हें तो अच्छा वर्षा मिलेगा, धर्मराज की पिटाई मिलेगी। कहा है तो भाई साहब कहा और गणेश जी है कहा जो बाबा बाबा बोला वो विदेश है कहा यहाँ बैठे वो और किसी ने इस तरह की कोई बात भी पढ़ी होगी है हाँ हाँ तरीके से तुम्हें समझ रही है वही बाबा मैं समझ जो दिया है वो माँ बाप के सामने लाओ ना और दुनिया में जोड़ी जो बनती है जितनी भी जोड़ियाँ बनती है कन्या के साथ ही जोड़ियाँ बनती है कि पहले से कोई माता होती है उसके साथ जोड़ियाँ बनती है, कोई माता के साथ जोड़ी बनाना अच्छा समझता है, माता को अजूबा लगता है। அண்ணே கல் சவுர அடகிருக்கதா பதி பத்னி ஜானமே சலே தேசமே சலே ஹோ ஹிந்தி அச்சி ஜானே ஹோ और बच्ची की हुई हो और देसी ज्ञान एडवांस ज्ञान सुना सकते हो तो गीता पाठ करना बोले अच्छी बात है, और एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे तो पवित्र रहते वो जरूरी नहीं मतलब नबी रहते हैं दूसरी माता मौजूद है उस माताओं की मौजूदगी में क्लास चल सकता है, अति कमाई नहीं करेगा नौकरी नहीं करेगा धंधा नहीं करेगा बिजनेस नहीं करेगा तो फिर बिजनेस करेगा चार दिन के लिए आठ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। लड़की है नारायण पढ़ने का है लड़की है जीवन का लक्ष्य है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, घर परिवार का वातावरण लक्ष्मी नारायण के मंत्र जैसा बनाना है, ऐसे नहीं कि रहते हैं इस घर में और अलग एक कमरा ले लिया या मंदिर और धर्मशाला में कमरा ले लिया वहाँ गीता पाठशाला में खोल दी और क्लास बना के चले आए, वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं हुआ है। उसके कर्मों से निश्चय बुद्धि बनते उसके कर्मों से साबित होगा कि बाबा आया हुआ है, कोई मुख से ही थोड़े ही संदेश दिया जाता है। प्रकृति जी बनने का क्या पुस्तक करना है, प्रकृति जी बनने के लिए कौन सा पुस्तक करना है, प्रकृति जीव बनने के लिए कौन सा पुस्तक करना चाहिए, प्रकृति को जीतना है पांच तत्वों को जीतना है, पांच तत्वों को जीतना माना अपनी कर्मेंद्रियों को जीतना, अब कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत पानी है
तो मन को कंट्रोल करना पड़े, क्योंकि जो भी इंद्रियां हैं दस उनका मुखिया मन है। मन को जितना एकाग्र करते जाएंगे उतना इंद्रियों पर जीत होती जाएगी और प्रकृति जीत भी बनते जाएंगे। ये मूल मंत्र है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। प्रकृति जीत भी बनते हैं और माया जीत भी बनते हैं। दुनिया में और कोई तरीका किसी के पास नहीं है प्रकृति जीत और माया जीत बनने का। आने वाली दुनिया की इच्छा जो हम करेंगे वो देह से कनेक्टेड इच्छा है या आत्मा से कनेक्टेड इच्छा है? आत्मा से कनेक्टेड इच्छा है। ये तो अच्छी बात हुई। जो गुरु लोग सिखाते हैं वो गुरुओं की पढ़ाई जो है, मनुष्यों की पढ़ाई जो है, वकील बना लेंगे, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, वो इस जन्म की पढ़ाई से कनेक्टेड है, देह की पढ़ाई से कनेक्टेड है, एक जन्म से कनेक्टेड है, अंतकाल की पढ़ाई है, वो अविनाश की पढ़ाई नहीं है। उसका लक्ष्य भी अविनाशी नहीं है। हाँ जी, कमल का फूल बहुत समझ रहे हैं। हाँ, कमल का फूल का क्या पुरुषार्थ? कमल का फूल का रुद्रमाला का पुरुषार्थ है, लंबे समय तक पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ जो है, जो बाप की पढ़ाई का सच्चा पुरुषार्थ है वो कमल का फूल करता है या गुलाब का फूल करता है? है कमल का फूल करता है। कमल का फूल एक महीने तक जीव का क्यों रखा रहेगा? गुलाब का फूल पुरुषार्थ ही लंबे समय का नहीं करता। बाप तो कहते हैं लंबे समय की जो प्रारब्ध है वो अच्छी काम में आती है, लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। हजमे बाबा भारत ने सरकार स्थापन किया है, कमल फूल लेके सिंबल है, कमल का सिंबल है ना भारत का, बीजेपी का, बीजेपी का जो सिंबल है। हाँ हाँ हाँ, कमल का है ना। हाँ जी, 81 में स्थापना हो गई उसकी भारत की। हाँ, लेकर अभी तक पुरुषार्थ कर ली, लेकिन उसको गवर्नमेंट से क्यों नहीं आ रहा? रुद्रवाला को पुरुषार्थ का फल मिल गया क्या? ये जनता पार्टी है, अज्ञानता पार्टी है, ये भी जनता पार्टी है। जानता पार्टी तो है लेकिन पुरुषार्थ अभी पूरा परिपक्व स्टेज का नहीं हुआ है। उसकी भी शुरुआत करने वाला जयप्रकाश नारायण था। क्या? जयप्रकाश नारायण। और इसकी भी शुरुआत करने वाला बेहद का जयप्रकाश नारायण था। उस जनता पार्टी की शुरुआत करने वाला भी गुजरात से निकला था। कहाँ से निकला था? गुजरात से। इनके बेहद का पुरुषार्थ करने वाली जनता पार्टी का जो हेड है वो कहाँ से निकलता है? गुजरात से निकलता है। उस समय उसका भी सहयोगी कृष्ण मुरारी देसाई था कि नहीं? हाँ, इसका भी सहयोगी कौन है विशेष? है कृष्ण मुरारी देसाई, वो भी अपना मुंह पीता था। कौन? कृष्ण मुरारी देसाई, वो अभी भी है। और ज्ञान किसकी बुद्धि में बैठा है? कृष्ण बच्चे की बुद्धि में बैठा है कि राम की बुद्धि में बैठा है? राम की बुद्धि में ज्ञान बैठता है। कृष्ण तो बच्चा है, मिट्टी खाता है,
जैसे कहते हैं कि आ गया ऊन पार के नीचे, तो नाउन डबू के पार के नीचे कौन सा ऊँट आएगा? ऊंट कौन से देश का पक्षी है? कहते हैं ऊंट पक्षी, चलता है तेज तो ऐसे लगता है कि जैसे पक्षी उड़ रहा है। ऊंट पक्षी कौन से धर्म खंड में ज्यादा होता है? हैं? इस्लाम धर्म खंड में। पहले पहाड़ के ऊपर रहना पसंद करते थे, अब कहाँ उतर पड़े? हैं? आबू रोड में, वो पहाड़ के नीचे आ गया जो ऊपर है? हैं? नीचे आ गया और नीचे आ जाएगा। इस्लाम धर्म के किसको कहेंगे? हैं? इस्लाम धर्म का जो बीज है, हाँ, उसको कह सकते हैं। हाँ, वो भी पहाड़ के नीचे है, चैतन्य पहाड़ के नीचे। हाँ, चैतन्य पहाड़ के नीचे है। बड़े से बड़ा पहाड़ कौन सा है? और 2036 में जो आखिरी विनाश होगा तब माउंट आबू पर्वत भी नहीं रहेगा ऐसा बोला है। आखिरी विनाश में माउंट आबू का पर्वत भी नहीं रहेगा, ठीक है। शांति धाम तो वही बनेगा ना बाबा? शांति धाम उससे पहले बनेगा कि बाद में बनेगा? उससे पहले बनेगा। पहले बनेगा। और ये भी बोला कि मेरी आत्मा की कंजकार करने का समय 150 साल तक है। हाँ, तो वो आत्मा वही रहेगी क्या? अरे संगम युग पुरुषार्थ करने का टाइम कब तक है? 36 तक ही टाइम है, उसके बाद पुरुषार्थ पूरी है। बर्फ का टाइम जो है वो बाद का है कि पहले का है? एटम बम फटने से पहले दुनिया में ठंड ही ठंड, शांति ही शांति हो जाएगी या बाद में होगी? है एटम बमों की जब गर्मी चारों तरफ फैलेगी सागर में, तो सारा पानी भाप बनकर के ऊपर हो जाएगा, और जोर से लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होने के कारण सारी पृथ्वी पर मौसम कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। वो टाइम होगा 36 का। और अरे एक एक तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इनका एक एक कण जहां से साइकिल उसने शुरू किया है वही पहुंचना है। तो कुछ रह जाएगा क्या? नहीं, ये पृथ्वी के अंदर भी गहरे हिस्से में जब ज्वालामुखी फूटता है तो गहरे हिस्से का जो आग से ये जैसे लोहा पिघल जाता है तो क्या हो जाता है? गरम गरम लावा बन जाता है। ऐसे पृथ्वी के अंदर लावा भरा हुआ है, सारी पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आएंगे, सारा अंदर का लावा निकल करके बाहर आएगा। कहीं रहने योग्य जगह रह जाएगी क्या? सिर्फ भारत में ऐसा स्थान रहेगा जो बर्फ ही बर्फ से आच्छादित होगा। जहां पुरुषार्थ की आत्माएं बर्फ में दबेगी, उत्तर भारत ही रहेगा, नॉर्थ इंडिया ही होगा। दुनिया में कोई और हिस्सा ऐसा है जहां के लोग बाप की भाषा को ज्यादा समझते हो? है? भले अभी दक्षिण भारत से ज्ञान में ज्यादा निकल रहे हैं, लेकिन ज्ञान को बाप की भाषा को उतना समझ रहे हैं क्या? गहराई से नहीं समझ रहे। माहौल है? है?
कृष्ण धर्म में माउंट मैरी जो है उसका गायन क्यों है? ये आगे वाले उनको समझा नहीं आपने क्या बोला? क्रिश्चियन धर्म में माउंट मैरी का गायन होता है। क्रिश्चियन धर्म में माउंट मैरी का गायन, माउंट मैरी का गायन, माउंट मैरी, मैरी नहीं, मैरी माउंट मैरी, माउंट मैरी, हाँ मेरी माने क्या होता है? हैं? जो तेरी नहीं होगी। अरे सारी दुनिया की कौन है? नहीं, एक होता है मेरा और एक होता है मेरी। सारी दुनिया का मेरा है बाप और मेरी कौन है? हैं? अरे सारी दुनिया की माया है मेरी, वो तो मौती है, माँ है। तो यहाँ मेरी कौन हो रही? बात करना, जगदम्बा हुई तेरी। जब सारी दुनिया पर शासन होगा, जो सिख लोगों में गायन है, क्या गायन है? राज करेगा खालसा। तो खालसा कहाँ रह करके राज करेगा? दिल्ली में जमुना के कंधे पर राजी करेगा या और कहीं से राजी करेगा? नहीं, रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? रुद्रमाला का मणका है तो कहाँ राजी करेगा? अंत समय तक उसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? है? अरे पुरुषार्थ करना पड़ेगा अंत समय तक। जब पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो कहाँ रह करके पुरुषार्थ करेगा? है माउंट, वो माउंट मेरी हो गई। अरे बेसिक नॉलेज में डूबी जा किया तो जिनको डूबी जा किया वो कहाँ राज करती थी? माउंट आबू। बेसिक में जब माउंट आबू में राज करती है तो एडवांस में राज कहाँ से करेंगी? सारी दुनिया का माउंट आबू, वो ही माउंट मेरी है। जो उस बात को पहचानते होंगे वो पहले माउंट और माउंट मेरी में कदम बढ़ाते होंगे। बाबा ने तो कहा है कि अभी पश्चिम से सूरज की किरणें दोबारा आ रही है। हाँ क्यों नहीं, सूरज आएगा तो माउंट मेरी जब सूर्यास्त का गायन है माउंट से तो सूर्योदय का गायन नहीं होगा क्या? सनसेट पॉइंट का गायन है या नहीं? माउंट आबू में सनसेट पॉइंट है या नहीं है? है? तो एडवांस पार्टी जब माउंट आबू पर पहुंचना शुरू करती है, जो गायन है सच्चाई सर पर चढ़ करके बोलेगी तो सत्य कहां से प्रत्यक्ष होगा? माउंट आबू से प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो वहां भक्ति मार्ग का जैसे सनसेट पॉइंट बना हुआ है उसी टाइम से सनराइज पॉइंट भी बनना शुरू हो जाता है। बाबा सतयुग की गाय जैसे दूध देती है तो तंदुरुस्त रहती है? हैं? बाबा ने कहा कि सतयुग में जो गाय है वो जो दूध देती है तो उसके तंदुरुस्त रहती है, और अभी की गाय जो दूध देती है उसमें बीमारी फैलती है। तो गाय किस काम की? वो तो बहन हो गई। गैया भी दो तरह की होती है, एक दूध देने वाली और एक दूध न देने वाली। नहीं मालूम तुमको? मालूम करो, जो बहेल गैया होती है वो सांड के साथ इधर उधर घूमती रहती है चारों तरफ, किसी के बंधन में नहीं आती। और जो बंधन वाली गायें होती है वो खूंटे पे बंध करके रहती है।
जो विदेशी गहुए हैं वो खूंटे पे एक खूंटे पे बंध के रहना पसंद करती है या उड़ती रहती है? उड़ती रहती है। भारत की गहुए की ये विशेषता है, जहां उन गहुओं के लिए गौ सुरक्षा आंदोलन चला रहे हैं भक्त लोग, गलती से ये किया उन्होंने जानवर गहुओं को समझ लिया है, तो वो एक खूंटे पर बंधी रहने वाली जो गहुए हैं उनको अगर भोजन विकारी दिया जाता है तो बीमार पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी? है बीमार पड़ती है, और निर्विकारी भोजन मिले तो बीमार होने का सवाल ही नहीं। ऐसी गऊओं को जब नई दुनिया मिलेगी, जो नई दुनिया का संगठन बनेगा वो सतयुग से बनना शुरू होगा या संगम युग से ही बनना शुरू होगा? संगम युग में ही वो भोजन बनना शुरू हो जाएगा। जिनको संकल्पों का भोजन शुद्ध भोजन मिलेगा, अशुद्ध भोजन उनको नहीं मिलेगा, फिर बीमारियां भी नहीं रहेंगी। अभी विचार बढ़ रहा है बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में, या घट रहा है? इसलिए शास्त्रों में दिखाया है अलग अलग तरीके से। हिरण्याक्ष राक्षस सारी पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को कहां ले गया? पाताल लोक में ले गया, गड्ढे में ले गया। तो गड्ढे में अभी लिया जा रहा है या स्वर्णिम संगम युग की शूटिंग है? कहां की शूटिंग है? है फाउंडेशन तो लगा है। हाँ फाउंडेशन नहीं लगा है, अभी जा रही है गड्ढे में। दिखाते हैं काशी नगरी छिटक जाती है क्या? गड्ढे में जाने से काशी नगरी बच गई, बाकी सब गड्ढे में जा रहे हैं। तो राक्षस का नाम रखा है सोने की आंख वाला राक्षस। अक्ष माने आंख, हिरण्य माने सोना। कैसी आंख है? सोने की आंख। जैसे कहते हैं सोने की जंजीर लोहे की जंजीर, सोने की जंजीर होती है अलौकिक परिवार के अंदर और लोहे की जंजीर होती है बाहर के लौकिक संबंधी देह के। तो हिरण्याक्ष क्या करता है, कौन सी मोह की जंजीर में बांधता है? है सोने की मोह की जंजीर में बांधता है, लगाव लग जाते हैं देह के और गड्ढे में गिरते जाते हैं। उत्साह करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते, लगातार पृथ्वी और पृथ्वीवासी गड्ढे में जा रहे हैं। भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा के पास जाओ वो भी कहते हैं टाइम आएगा परिपक्व स्टेज आएगी तब होगा, पाप पकेगा तभी अब परिवर्तन होगा। इसलिए बाप को आना पड़ता है क्या काम करने के लिए? है नहीं आता समझ में क्या? अरे बच्चे नहीं पाप को घड़ा भर पाएंगे क्या? बच्चे कम ताकतवर हैं, इसलिए पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए कौन आया हुआ है? बाप आया हुआ है, ताकि जल्दी से पाप का घड़ा भर जाए और जो अंदर अंदर त्राहि त्राहि मच रही है क्या करें, चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा है, वो बात खत्म हो जाएगी। हिरण्याक्ष में इतनी पावर कहाँ से आती है? हिरण्याक्ष राक्षस है ना, हिरण्याक्ष में इतनी पावर कहाँ से आती है? असुरों में पावर कहाँ से आती है?
आसुरों में पावर तपस्या से आती है, वो भी आत्मा समझने और आत्मा को याद करने की तपस्या ज्यादा कर लेते हैं। जो देवताएं होते हैं वो सुख के आदि होते हैं, उन्हें सुख चाहिए। जो राक्षस होते हैं वो भिखारी सुख के आदि तो होते हैं, लेकिन तपस्या के बड़े मजबूत होते हैं। बैठ जाएंगे कड़क करके हड्डियों में तो तपस्या पूरी करके मानेंगे। तो ये शंकर छलांग मार के भाई को कंट्रोल में करता है, वो कहेंगे छलांग मारना माने ऊंची स्टेज में कंट्रोल करना। ऊंची स्टेज नहीं, छलांग मारना माने हाई जंप लगाना। एक है पुरुषार्थ सोते सोते याद करना, लेते लेते याद करना। एक है पुरुषार्थ बैठ करके याद करना, थोड़ी ज्यादा अलर्टनेस हो गई। एक है खड़े हो जाना, जब क्लास में बैठे बैठे मुरली सुनते या याद में बैठे बैठे नींद आने लगती है तो क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। उससे भी सीखा पुरुषार्थ है चलते फिरते याद करना, उससे भी सीखा पुरुषार्थ है पुरुषार्थ में दौड़ लगाना, उससे भी सीखा पुरुषार्थ है उड़ना, और उससे भी सीखा पुरुषार्थ है हाई जंप लगाना। साल की स्त्री मनुष्य के पास मौजूद है, उसमें दो युगे हैं, द्वापर और कलयुग। और जो स्त्री मौजूद नहीं है वो है सतयुग त्रेता, रामकृष्ण की दुनिया, वो भी 2500 साल। उसको दो हिस्सों में बांट दो तो 1250 हो, 1250। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है एक एक युग की आयु 1250 वर्ष है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन मनुष्य गुरुओं ने उसको 365 से गुणा कर दिया कि देवताओं का एक दिन जो है 1000 वर्ष के बराबर होता है। ये गपोड़ा लगा दिया, ये सारा गड़बड़ हो गया। हाँ लाखों लाखों बताते हैं ताकि हिसाब न बताना पड़े, बहुत लंबा लंबा बताएंगे तो कौन हिसाब पूछेगा, कितने जन्म हुए, कैसे कैसे हुए, सुखी रहे कितने जन्म दुखी रहे, आत्मा की हिस्ट्री कोई बता ही नहीं पाएगा, तुम्हें लंबा लंबा बताए। और बाबा सतयुग में 9 जन्म होंगे तो एक एक आत्मा 9 जन्म लेंगे ना, अगर ऐसा है तो जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण है वो राधा कृष्ण का गद्दी देने के बाद, राधा कृष्ण को गद्दी देने के बाद जब शरीर छोड़ेंगे तो दोबारा उनको जन्म कौन देगा। माना जो विश्व के मालिक बनने वाली लक्ष्मी नारायण है तो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनको सत्य में जन्म कौन देगा है। तो सत्युग के पहले जन्म में जाकर के उनका पद नीचा हो जाएगा अंत में, या ऊंचा ही बना रहेगा है, नीचा हो जाएगा, एकदम नीचा हो जाएगा या थोड़ा नीचा होगा है, कितना नीचा हो जाएगा। अरे एक डिग्री नीचा होगा कि 16 डिग्री एकदम नीचे चले जाएंगे, एक डिग्री नीचे होगा। सतयुग के आदि में
जो राधा कृष्ण जैसी आत्माएं हैं वो तो ऊंचे से ऊंचा पद पावेंगी। राधा कृष्ण के बाद फिर सेकंड ग्रेड का नायक कौन बनता है? है ब्रह्मा बनते हैं, इस्लाम धर्म का। जैसे राधा कृष्ण से जन्म लेंगे सेकंड नारायण, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले, तो फर्स्ट जो नारायण है सतयुग का वो नीचे गिर गया। ऐसे ही जो संगम युग में ऊंचे से ऊंचे पद पाने वाले हैं वो उनसे भी ज्यादा नीचे गिर गए। ऐसे गिरते 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 आखिरी जन्म में सतयुग में जाकर के राम वाली आत्मा टोटल साहूकार बन जाएगी। हिस्ट्री में भी तो ऐसे ही होता है, जब द्वापर युग शुरू होगा तो द्वापर के आदि में किस धर्म की राजाई चलती है? पृथ्वी के ऊपर द्वापर के आदि में किसका राज्य होता है? कौन से धर्म वालों का राज्य होता है? सूर्यवंशियों का राज्य होता है ना। राजा विक्रमादित्य राजा होगा, ब्रह्मा वाली आत्मा राजा विक्रमादित्य बनेगी। राजाएं जितने होते हैं वो सब अधिकारी बुद्धि होते हैं द्वापर में। तो मंत्रणा रहने के लिए पवित्र ब्राह्मणों को महामंत्री बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? किसकी मत पर चलते हैं? महामंत्री की मत पर चलते हैं। तो जिसकी मत पर चलते हैं वो ही ऊंचा हो गया ना, उसको कहते हैं राजगुरु। तो द्वापर के आज में किस तरह की था? विक्रमादित्य तो राजा था, अधिकारी राजा था। उसने जो मंदिर बनाया वो अपनी अकल से बनाया या उसको मत देने वाला कोई उसका गुरु था? उसका गुरु था, उसी का राज्य हो गया। जैसे आगे चल करके चंद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त है अपनी अकल से राजा बना या उसको राजा बनाने वाला चाणक्य था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त के पांव पड़ता था या चंद्रगुप्त राजा चाणक्य के पांव पड़ता था? कौन किसको माथा झुकाता था? चाणक्य को चंद्रगुप्त माथा झुकाता था, तो बड़ा कौन हुआ? चाणक्य बड़ा हो गया। ऐसे ही द्वापर के आज में इब्राहिम आया, इब्राहिम अकेली आत्मा आई और उसके पीछे पीछे लाखों की तादाद में इस्लामी आ गए। तो पहले ही जन्म में इस्लाम धर्म की संख्या बढ़ गई या दो चार जन्म लगे होंगे? दुनिया में इस्लाम धर्म की बढ़ोतरी होने के लिए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो दो चार जन्म लग जाते हैं, उसके बाद उनकी राजाई शुरू होती है। उनको राजाई का वर्षा देने वाली कौन सी आत्मा निमित्त बनती है? यहाँ राजाई के संस्कार बनने वाली कौन सी आत्मा है संगम युग में जो कोई के कंट्रोल में नहीं आती? राम वाली आत्मा। तो वही आत्मा वहां इस्लामियों की राजाई स्थापन करती है।